ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, एक मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूँ, एक मिनट के लिए भी जेल में गया हूँ, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा, एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए। इसलिए ध्यान से सुनिए, जिधर बिल की बात कर रहे हैं बिल की बात करिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो पुराना अधिनियम मौजूदा है, जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अभी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और पूरी दुनिया में जो अपराधियों को और अपराध करने का ट्रेंड बढ़ा है उसके अनुसार इसको विस्तारित करने की आवश्यकता थी और इसीलिए दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 हम लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल जो प्रक्रिया है मेजरमेंट की उसको विस्तार देने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उसकी श्रेणियों में भी वृद्धि हो उसका भी हमने काम किया है। लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होंगी। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे, संवैधानिक भी रहे। हमने लॉ मिनिस्ट्री से और लेजिस्लेटिव दोनों के द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद उसके साथ साथ जो हमारी एनसीआरबी रिकॉर्ड एकत्रित करती है उसने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लंबी चर्चा करने के बाद हम ये अधिनियम लेकर के आए हैं, जिसमें इन लोगों ने जो प्रश्न उठाए हैं उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार निजता के मौलिक अधिकार का को निरपेक्ष नहीं माना जा सकता और इसे अनिवार्य जनहित के सामने हम लोगों को स्वीकार करना ही होगा। मौजूदा प्रस्ताव किसी भी दृष्टि से मनमाना नहीं है। बढ़ते हुए अपराध पर नकेल कसने एवं दोष सिद्धि को सुदृढ़ करने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथों को मजबूत करने के लिए यह अधिनियम हम लेकर के आए हैं। इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष जी 1980 में विधि आयोग ने इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, परंतु उसको भी 42 साल हो गए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये काम करने का प्रयास किया है, जिसमें अभी जो हमारे प्रेमचंद्रन जी ने सवाल उठाया 53 और 53A का जो DNA से संबंधित, वो पहले से CRPC में जारी है और आपको पता होगा, आप इतने अच्छे अधिवक्ता हैं तो ये सारी जानकारियां आपको है।